मैं शेखर कपूर एक बार फिर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीजन 2 न्यूज टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज। अब आपको पाकिस्तान से आई एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाते हैं जो करीब 18 साल पहले हिंदुस्तान आई और यहां आकर उसे जनता ने अपना सरपंच चुना। ये कहानी राजस्थान के नटवाड़ा की नीता कंवर की है, जो बेटी तो पाकिस्तान की है लेकिन बहू हिंदुस्तान की। चुनाव में जीत के बाद अपनी सास के हाथ से मिठाई खा रही ये राजस्थान की नीता कंवर है। नीता मूल रूप से पाकिस्तान की रहने वाली है, हिंदुस्तान में पढ़ाई पूरी करने आई और फिर हिंदुस्तान की आबो हवा में ऐसा घुल मिल गई कि राजस्थान के नटवाड़ा की जनता ने उन्हें अपना सरपंच चुन लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, जो गाँव का जो इतना प्यार मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है, तो सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ की बहू हूँ तो एक बहू के नाते मैं खुद सेवा करना चाहती हूँ इस गाँव की। पाकिस्तान से आई नीता के लिए राजस्थान के नटवाड़ा में सरपंच तक का सफर इतना आसान नहीं रहा। 2011 में नटवाड़ा से राजपूत परिवार में शादी होने के बाद नीता को 8 साल बाद हिंदुस्तान की नागरिकता मिली और नीता ने नटवाड़ा से ही सरपंच का चुनाव लड़ा। मुझे यहाँ पे 18 इयर्स हो गए हैं आए हुए और मेरे शादी को 9 साल हुए हैं और मेरे यहाँ पे काफी हमारे रिलेटिव्स भी हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टोंक में मेरी शादी हुई, टोंक में जहाँ शादी हुई मेरी, और अभी जो ये जो सफर रहा सब अच्छा ही है क्योंकि मेरी जो फैमिली है उसका मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है। नीता राजनीति में आने की बड़ी वजह अपने ससुर को मानती है, जो खुद 3 बार नटवाड़ा के सरपंच रह चुके हैं। राजनीति में आना सबसे बड़ा रीजन जो है, मेरे फादर लो वो खुद सरपंच रह चुके हैं 3 बार, तो उनका ही सपोर्ट है और वो ही गाइड कर रहे हैं मुझे अभी। नटवाड़ा से सरपंच चुने जाने के बाद अब सबसे पहले अपने क्षेत्र का विकास ही नीता की प्राथमिकता में है। मेरा सबसे पहले ये रहेगा कि मैं यहाँ पे हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा दूँ, हमारी जो महिलाएं हैं उनको दिक्कत होती है कि बाहर जाना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ा मेरा रहेगा। और इसके अलावा जो अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले महिलाओं को और यहाँ का विकास हो। सरपंच के चुनाव में जीत के बाद नीता की सास भी अपनी बहू की सफलता से खुश है। वो कहती है कि अब नागरिकता कानून आने के बाद उनके जैसे लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।